नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए शुरुआत करते हैं मारो राजस्थान की। राजपुरा बांध घाटी में शनिवार को दिन में पुलिस कांस्टेबल लालूराम खराड़ी 43 वर्षीय को स्थानीय ग्रामीणों ने 40 वर्षीय विधवा महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। कांस्टेबल लालूराम को लोगों ने निर्वस्त्र कर मारपीट की और रस्सी से पेड़ के बाद साथ बांध दिया। युवकों द्वारा कांस्टेबल की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। घटना का जैसे ही पुलिस को पता चला तो घंटाली पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से समझाइश कर कांस्टेबल को छुड़ाया। कांस्टेबल को पीपल खूड राज के अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया है। पुलिस ने बताया कि कांस्टेबल लालूराम खराड़ी 1 साल से पीपल खूड थाने में है। ग्रामीणों ने बताया कि कांस्टेबल की महिला से पिछले 2 साल से संबंध थे। महिला के पति की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। महिला अवैध शराब का धंधा करती है। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tnialawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। कोटा जिले के खातोली थाना क्षेत्र के बालूपा गांव में शनिवार देर शाम 3 लोगों की हत्या का मामला उजागर हुआ है। बताया जाता है कि लड़की भगाने नाता विवाद के मामले को लेकर विवाद हुआ और दूसरे पक्ष ने कुलाड़ी व अन्य हथियारों से हमला बोल दिया। खास बात यह है कि जिनकी हत्या हुई है वे लड़के पक्ष के पास विवाद सुलझाने आए थे। दोनों पक्षों ने पहले साथ बैठकर शराब पी और खाना खाया, फिर अचानक विवाद गहराया और लड़के पक्ष के लोगों के सिर पर खून सवार हो गया। देर रात पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने शव को इटावा अस्पताल में रखवाया है। सुबह परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हुआ, जबकि डॉग स्क्वाड की टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस के मुताबिक खातोली थाना क्षेत्र के बालूपा गांव निवासी बालू होली के आसपास बूंदी जिले से मोग्या जाति के बूंदी जिले के दबलाना कस्बा निवासी शोजी लाल 50 वर्ष की लड़की को भगा कर ले गया था। पता चलने पर शोजी लाल देईखेड़ा थाना क्षेत्र निवासी मुकेश व गोपाल बातचीत करने शनिवार सुबह ही बालूपा आए थे। दोनों पक्षों में बातचीत चल रही थी। सभी ने पहले शराब पी, फिर साथ बैठकर खाना खाया। इसके बाद अचानक विवाद गहरा गया। मौके पर मौजूद हंसराज व उसके साथियों ने कुलाड़ी व धारदार हथियार से हमला कर दिया। शोजीलाल, मुकेश व गोपाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि मौके पर अचेत अवस्था में एक महिला मिली है। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tnialawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। राजस्थान में बेकाबू होते कोरोना ने गहलोत सरकार की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश के प्रमुख शहरों की स्थिति लगातार खराब हो रही है। जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, हर जगह हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कोरोना की जब पहली लहर थी तब नवंबर मतलब पिछले साल में सबसे ज्यादा 71,130 संक्रमित सामने आए थे। दूसरी लहर में ये रिकॉर्ड मात्र 17 दिन के अंदर टूट गया। अप्रैल में 17 दिन के अंदर ही इससे ज्यादा 71,206 केस आ गए। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। उसके बाद देर शाम आपात बैठक बुलाई जिसमें लॉकडाउन का फैसला लिया जा सकता है। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। पुलिस सोती रही और हत्या का आरोपी फरार हो गया। जी हां, झुंझुनू जिले के खेतड़ी में रविवार को एक विचाराधीन बंदी अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बंदी छगन बावरिया हत्या के मामले में खेतड़ी जेल में बंद था।
इस मामले में पहले हुए बंदी पप्पू बावरिया की तबीयत खराब होने से अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। फरार बंदी 13 नवंबर 2020 को खेतड़ी में पकड़ा गया था। इसके खिलाफ धोखाधड़ी और हेराफेरी करने का मामला दर्ज था। खेतड़ी पुलिस ने बताया कि जेल में बंद छगन को शनिवार देर रात अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। उसे पुलिस सुरक्षा में अस्पताल भेजा गया था। शनिवार और रविवार की दरमियान राज छगन राजकीय अजीत अस्पताल में गार्ड को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी के खिलाफ हत्या और धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। और वही घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें बंदी के पास मौजूद पुलिसकर्मी सोते नजर आ रहे हैं। बंदी बड़े आराम से अपने बिस्तर से उठकर फरार हो गया। बाहर जाने के बाद बंदी एक बार फिर अंदर आता है, जो अपना कंबल लेकर वापस बाहर चला गया। इस दौरान पुलिसकर्मी बड़े आराम से सोते रहे। सिगाना के रतिराम हत्या मामले में खेतड़ी जेल से जीजा पप्पू बावरिया और सासा छगन बावरिया बंद थे। इसी मामले में बंदी पप्पू की पिछले दिनों मौत हो गई थी। जेल में बंद पप्पू बावरिया की भी तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसकी मौत हो गई थी। उसी दिन छगन बावरिया की भी तबीयत बिगड़ गई थी, लेकिन वो ठीक हो गया था। बीती रात एक बार फिर छगन बावरिया की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। मौका पाकर चालानी गार्ड को गच्चा देकर वे फरार हो गया और पुलिस सोती रह गई। एक चैनल जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। कक्षा एक में प्रवेश के लिए स्टूडेंट का बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड जरूरी होगा। जी हाँ, केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS की ओर से कक्षा एक में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल की शाम 7 बजे तक है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हुई थी। रजिस्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट आधार कार्ड जरूरी है। कक्षा एक में प्रवेश की पहली सूची 23 अप्रैल को जारी होगी। सीट रिक्त होने पर दूसरी 30 अप्रैल में, तीसरी 5 मई को जारी होगी। कक्षा 2 और अन्य कक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन 8 से 15 अप्रैल तक हुए। कक्षा 11 में रजिस्ट्रेशन 10वीं का परिणाम जारी होने के 10 दिन के भीतर होगा। इसी प्रकार कक्षा 2 व अन्य कक्षाओं के लिए सूची कक्षा 11 को छोड़कर 19 अप्रैल को जारी होगी। कक्षा 11 के लिए सूची 10वीं का परिणाम जारी होने के 20 दिन बाद जारी होगी। आपको बता दें कि देश भर में 1245 स्कूल संचालित है। इसके लिए 25 रीजन बनाए गए हैं और वर्तमान में यहाँ पर 393,668 स्टूडेंट है। जयपुर रीजन में 77 स्कूल है। एक चैनल जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कोटड़ा क्षेत्र में बन रहा स्वामी विवेकानंद पार्क व यहाँ की हरियाली पर्यटकों व शहरवासियों को आकर्षित करेगी। यहाँ चल रहा निर्माण कार्य आकार लेने लगा है। 6,200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 2,55,00,000 की लागत से कार्य हो रहा है। पार्क में पाथवे का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है और अन्य निर्माण कार्य चल रहे हैं। कोटड़ा स्थित अजमेर विकास प्राधिकरण के ओसिफ वुडलैंड में स्वामी विवेकानंद पार्क बनाया जा रहा है। पार्क में स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं एवं दर्शन की कल्पनाओं को साकार किया जाएगा। एक चैनल जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। जयपुर में 1,25,00,000 की लूट का खुलासा हुआ है। जी हाँ, जयपुर के चोमू थाना क्षेत्र में 7 दिन पहले ज्वेलर्स के यहाँ करीब 1,25,00,000 की लूट के मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्टल और कारतूस से भरी मैगजीन बरामद की है। पुलिस को अभी तीनों लोगों की तलाश है। पुलिस का दावा है कि लूट का सोना और कैश फरार आरोपियों के पास है।
पुलिस ने बताया कि इस वारदात को अंजाम देने से पहले लुटेरों ने ज्वेलर्स के यहाँ एक सप्ताह तक लगातार रेकी कराई। इसके लिए लुटेरों ने स्थानीय एक व्यक्ति की मदद ली थी जो फरार है। अतिरिक्त आयुक्त अजय पाल लामा ने बताया कि इस पूरी वारदात की साजिश सुमेर जाट 30 वर्षीय और निवासी सीकर और शशांक पांडे 25 वर्षीय निवासी गोरखपुर ने रची थी। इन दोनों और इनके साथियों ने लूटे गए सोने को बेचकर कुछ कैश भी लिया। कैश अभी बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने इन दोनों बदमाशों को सीकर के फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ के कस्बों से पकड़ा है। वारदात में शामिल तीन अन्य की तलाश की जा रही है। एक चैनल जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। CWC की बैठक में गहलोत ने कहा कि वैक्सीन देने में भेदभाव कर रही है केंद्र सरकार। जी हां, कांग्रेस कार्य समिति की शनिवार को वर्चुअल बैठक हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बैठक में केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वैक्सीन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन झूठे बयान दे रहे हैं। गहलोत ने केंद्र वैक्सीन देने में राज्यों के साथ भेदभाव बरतने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन वैक्सीन को लेकर झूठ बोल रहे हैं। राज्य के पास वैक्सीन के पर्याप्त स्टॉक की बात एकदम झूठ है। गहलोत ने कहा कि कोरोना से बचाव और मैनेजमेंट में राज्य सरकार किसी स्तर पर कमी नहीं रखेगी। हम कोविड मैनेजमेंट में राजनीति से ऊपर उठकर काम करेंगे। राहुल गांधी ने न्याय योजना का कंसेप्ट दिया था। कोविड जैसी महामारी में अब न्याय योजना की जरूरत है। देश के सभी राज्यों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करें। हमारा ईमेल पता है editor.tnivaaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। रघुवीर मीणा का एक बड़ा बयान आया है। रघुवीर मीणा ने कहा कि तबलीगी जमात के जलसे पर हल्ला मचाने वाले अब कुंभ मेले पर चुप क्यों है। जी हां, CWC सदस्य रघुवीर मीणा ने कहा कि देश में जब पहली लहर में 350 केस आए तब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लगाकर लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया। दूसरी लहर में महामारी फैलने की आशंका है, तब चुनावी लाभ लेने की कोशिश में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है। पिछले साल तबलीगी जमात ने छोटा सा जलसा किया था तो पूरा संक्रमण फैलाने का जिम्मा उन पर डाल दिया। उत्तराखंड सरकार मेजबान बनकर लाखों लोगों को कुंभ स्नान के लिए बुला रही है। अगर हम कुंभ और तबलीगी जमात की तुलना करें तो चींटी और हाथी जैसी बात है, लेकिन आज फिर भी कुंभ पर कोई नहीं बोल रहा। देश के सभी राज्यों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करें। हमारा ईमेल पता है editor.tnivaaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट नहीं देने पर गिरे सचिव। DGP व RPSC से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस सबीना व M.K. व्यास की खंडपीठ ने ये अंतरिम निर्देश देव सिंह की अपील पर दिया। अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि RPSC ने हाल ही में जारी SI भर्ती से पूर्व उप निदेशक के पदों पर वर्ष 2016 में भर्ती निकाली थी। बीते 4 साल में भर्ती नहीं निकालने के चलते कई अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर गए। अपील में कहा है कि 23 सितंबर 2008 की अधिसूचना के तहत जितने साल भर्ती नहीं निकलेगी उतने सालों की या अधिकतम 3 साल की छूट देने का प्रावधान है। इसके बावजूद भी RPSC भर्ती में केवल 1 साल की छूट दे रही है, इसलिए उन्हें अधिकतम आयु सीमा में छूट दिलवाई जाए। खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित अन्य पक्षकारों को जवाब देने के लिए भी कहा है। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।